हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चार दिन से शव पड़ा है रोएडा अस्पताल के मोर्चरी में। सड़ान से मरीज व अस्पताल स्टाफ का हाल बुरा, संक्रमण फैलने की आशंका। मरीजों की ओपीडी जांच के लिए चिकित्सक व मेडिकल स्टाफ बाहर पेड़ के नीचे उपचार करने को मजबूर, अस्पताल प्रशासन का आरोप। बिना सूचना और शव प्राप्त की रसीद के बिना मोर्चरी में 1 अप्रैल को रख दिया है शव। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल को नहीं दी जा रही है कोई तहरीर। टेम्पो पलटने से बोरउमरी गाँव के मेलियाराम गमेती की हो गई थी मौत। शव के सड़ जाने से अब चिकित्सकों को भी पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ में आएगी परेशानी। अब बुलानी पड़ेगी फॉरेंसिक टीम। सीएचसी के बदबूमय वातावरण से ओपीडी एवं टीकाकरण में भी आ रही है बाधा। चिकित्सकों व अन्य मेडिकल स्टाफ को पेड़ के नीचे अस्पताल के बाहरी परिसर में करना पड़ रहा है उपचार। रोहिणा अस्पताल में आए दिन मोर्चरी में कई दिनों तक बिना कारण पड़े रहते हैं शव। आज करने के पीछे ये कारण है कि अब यहाँ मतलब माहौल भी पूरा खराब होता है, बदबू आती है परिसर में, और स्वास्थ्य कर्मियों के स्वभाव पर, मरीजों के स्वास्थ्य पर भी मतलब प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। जागरूक टीवी के सिरोही से किशोर सिंह देवड़ा की रिपोर्ट।